top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. देखिए जो प्राइवेट स्कूल्स हैं और जिनमें मन चाहे जब फीस बढ़ा दी जाती है अभिभावक गार्जियंस परेशान होते हैं, उसकी लड़ाई हमें पहले भी लगी और उस लड़ाई को हम आगे बढ़ाएंगे। फीस नहीं बढ़ने देंगे। जो यहाँ का रहने वाला है व्यक्ति, उसके बच्चे सही अच्छी तरह पढ़े और अच्छी शिक्षा मिले, कम दामों में शिक्षा मिले, इसका हम प्रयास करेंगे। सबसे बड़ी बात ये आ रही है, ये निराधार है, आपको नहीं मालूम, कॉलोनियां कम से कम 15 कॉलोनियां थी जिसको ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने तोड़ने के डेट वाइज अनाउंसमेंट कर दिया था कि इस डेट में तब तोड़ेंगे, इस डेट में तब तोड़ेंगे। 25 दिन हमने आंदोलन किया, हम कृपा राम जी ने आंदोलन किया और विनोद पांडे जी भी थे, हमारे अध्यक्ष विनोद पांडे जी थे और लोग थे कांग्रेस के सभी। हमने आंदोलन किया और उन कॉलोनियों को बचाया। आज सब बसी हुई कॉलोनियां और आज जब चुनाव हो रहा है तो आपको 10 तारीख को जब वोट पड़ेंगे तब आप देख लेंगे क्या वो है। हम हर संघर्ष में रहे, अपराध के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी। कोई एक दो व्यक्ति ऐसा हो बिजली के लिए और रिक्शा वालों का मामला था, रिक्शा के वालों के लिए हमने लड़ाई लड़ी, ऑटो वालों का मामला था, उनको इधर से उधर नहीं जाने देते थे, उनके स्टैंड की समस्या थी, उसके लिए हमने लड़ाई लड़ी। तोमर जी, जनता इसलिए चुने कि मैं सबके बीच रहूंगा, उपलब्ध रहूंगा, उनकी समस्याओं के लिए संघर्ष करूंगा और मेरे बारे में कोई ऐसा नहीं है। मैं 4 बार गाजियाबाद से जीत, एक बार व्यक्ति तुक्के से जीत जाता, दोबारा भी ऐसा हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति 4 बार जीतता है तो उसका कोई ना कोई गुण अवश्य होता होगा। मैं जनता के बीच उपलब्ध रहूंगा, यहां भी जनता के बीच उपलब्ध रहूंगा। मैं जब विपक्ष में हूंगा तब विपक्ष के सांसद की तरह भूमिका निभाऊंगा, सत्ता पक्ष में हूंगा तो दबाव डाल के जनता का काम कराऊंगा। ये नहीं कि 2 साल हो गए ये पता ही नहीं लग रहा है कि किस तरह के विधायक हैं, पक्ष के या विपक्ष के। विपक्ष के लिए अब आज तक कोई मुद्दा ही नहीं उठा, लगता है कि विपक्ष का विधायक भी सत्ता पक्ष का विधायक भी। किस आधार पर आप चुनाव लड़ेंगे? ये भी एक विषय है। संघर्ष करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। संघर्ष कौन कर सकता है? जो व्यापारी नहीं होगा, जो अपने व्यापार को बचाने के लिए संघर्ष नहीं कर सकता है। हमेशा तो कॉलेज से आज जब हम लोकसभा क्षेत्र पूजा गौतम बुद्ध नगर नोएडा 13 पर सेक्टर 36 कांग्रेस और लोकदल के संयुक्त प्रत्याशी आदरणीय रमेश चंद तोमर जी के प्रचार अभियान का श्री गणेश कर रहे हैं। ऐसे अवसर पर यह उद्घाटन समारोह है प्रचार अभियान का। मैं यहाँ उपस्थित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय रमेश चंद तोमर जी का हार्दिक सम्मान करता हूँ। हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, हमारे पूर्व विधायक और जिनके नाम से कुआरे बीच में हमारे युवक कांग्रेस के मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के महामंत्री और पूर्व हमारे लोकसभा युवक कांग्रेस के अध्यक्ष भाई नरेंद्र भाटी जी हमारे बीच में और तोमर साहब के साथ है पूरी तरह हमारे बीच में। यहाँ अल्कियत के कई वरिष्ठ नेता हमारे बीच में, एसडीएम रिजवी साहब जो प्रभारी थे और 2 बार बनी थी, हम यहाँ हारे थे। जून में एक आंदोलन शुरू हुआ था, आपको याद होगा, 2009 में 25 फुटा चकसावेरी हैवतपुर राहुल बिहार, जहाँ ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने डेट घोषित कर दी थी कि फला डेट को हम ये कॉलोनी तोड़ेंगे, फला डेट को ये तोड़ेंगे और 7 जनपदों का जो पुलिस फोर्स ने लड़ाई लड़ी थी और आज भी वो कॉलोनी जू की तू है। नोएडा वाले तो नहीं आए लेकिन 50,000 लोग उनका नाम को जबरदस्त स्वागत किया। साथियों, हमारे बीच में हमारे बड़े भाई, वैसे तो छोटे भाई है, राजेंद्र अवाना जी उत्तर प्रदेश कांग्रेस के बहुत बड़े नेता है और आज है आपके महानगर अध्यक्ष कितनी मेहनत कर रहे हैं। सोलंकी जी बोल लिए थे लेकिन ये पार्टी का काम आगे बढ़े, रमेश चंद तोमर जी से उस धुन में दोबारा भी कहने लगे कर सोलंकी जी बोल नशा है चुनाव, ये चुनाव का नशा है। यदि आप सब कृपा राम जी जैसा नशा कर लोगे
तो कोई माई का लाल कांग्रेस को जीतने से नहीं रोकेगा। जब आपका एमपी होगा आपके सब काम होंगे, आपका मनोबल बढ़ेगा, कोई सरकारी अधिकारी कोई अन्य कर्मचारी आपको तंग करेगा तो आप कहोगे कह दे रमेश चंद तोमर से, इतना ही कहने पर उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। इसलिए सभी सम्मान बंधुओं, मैं आपसे यही अर्ज करने के लिए आया हूं, जैसा कृपाराम जी की सोच जिसको आगे बढ़ावा दिया है हमारे राजेंद्र सोलंकी जी ने, ये शहर है, शहर में डोर टू डोर प्रचार करना बहुत जरूरी है। दीक्षित जी ने दिल्ली को चमका दिया था, लेकिन चुनाव प्रचार में वो केजरीवाल से पीछे रहे, केजरीवाल के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर डोर टू डोर जाकर पूरी केजरीवाल की विधानसभा में 10 बार चुनाव प्रचार कर दिया था, इसलिए उसे अंदाज लग रहा था कि मैं जीतूंगा। यदि आप इसी तरह की पद्धति अपनाएंगे तो कोई आपको हराने वाला नहीं है। इसलिए अब क्या होगा, माननीय अटल जी ने अशोक शर्मा जी आज भैया ये गंदे से कह रहे लग रहे हैं लोगों को, आ जाओ मनीषा भाई गली बंद बना ना भाई, भाई पीछे पीछे तेरे और लंबे हो जाओ, और लंबे हो जाओ, पीछे कौन बचा कर सबसे अग्रणी टीम होगी इनकी। सुमित त्यागी यहाँ आ जाए जरा, ये राजे त्यागी का बेटा है सुल्तानपुर, बहुत बढ़िया। अब एक झंडा दे दो, झंडा कहाँ है, झंडा दोनों दलों के झंडा और दिखाएंगे सोलंकी साहब, एक झंडा आप दे दो, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, जिंदाबाद रमेश चंद तोमर जिंदाबाद, जिंदाबाद जीतेगा भाई जीतेगा।